धार्मिक नगरी मैहर में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर स्थानीय निवासी विजय कुमार श्रीवास्तव हाईकोर्ट जा पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि मां शारदा प्रबंधन समिति में पदस्थ आला अधिकारियों की नाकामी की वजह से अव्यवस्थाओं में सुधार नहीं हो रहा है। बता दें कि विजय कुमार जनहित याचिका के माध्यम से श्रद्धालुओं के हित में कई फैसले करवाए हैं। उनमें से एक है सत्संग भवन, जिसे प्रशासन ने हाईकोर्ट के आदेश से पहले ही सील किया। यहां तक कि प्रशासन की जांच में जहां सत्संग भवन स्थित है उसे प्रशासन ने अपनी जांच रिपोर्ट में अतिक्रमण भी बताया है। अगर प्रमोद कुमार अग्रहरी वैधानिक निर्माण करता था तो 6 साल के मुकदमे में वो गायब क्यों था, एक बड़ा विचारणीय प्रश्न है। और अधिकारी श्री सुरेश अग्रवाल के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि आप एक धार्मिक स्थल की संपत्ति के साथ इस तरह खिलवाड़ कर रहे हैं और आपने उनके अवैध व्यवसाय चलाने के लिए इतनी बड़ी बिल्डिंग को 21,000 रुपए सालाना पर बिना किसी वैध कार्यवाही और बिना समिति के पूरी प्रक्रिया के दे दिया है। पूरे मामले में आपको एक चीज आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि पूरे मामले की प्रक्रिया में किसी चीज को ये झुठला नहीं पा रहे, केवल गुमराह करके न्यायालय को मामले को निर्णीत होने से रोक करके समय बर्बाद कर रहे हैं।